Hello, Bacho! Okay, so beautiful students, welcome back. This is your PACE batch, and I am Tina Chopra, your zoology mentor. So, how are you guys? So, feeling confident, human physiology ka first chapter is done, and that too in such a beautiful way, in such a detailed way, right? I have been reading your comments, and it is so motivating that you're loving these lectures. चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन डाइजेशन भी होगा लेकिन रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन पढ़ना जरूरी है चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के साथ इस चैप्टर के अंदर हम ब्लड के बारे हार्ट के बारे ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर्स हार्ट अटैक इन सब चीजों के बारे डिटेल में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट ठीक है देखो ब्लड के बारे अगर पढ़ेंगे तो ब्लड की स्टडी को बोला जाता है रिलेटेड जो टर्म होती है hem, so, आज हमने क्या पढ़नी है हीमाटोलॉजी पढ़नी है ठीक है ब्लड की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है हीमापोइसिस फॉर्मेशन इज नोन एज हिमा पोइसिस पोइसिस वर्ड कहीं पे भी आए इसका मतलब रहेगा फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस हीमोपोइसिस ठीक है अब ये हीमोपोइसिस यानी ब्लड की फॉर्मेशन तो ब्लड की फॉर्मेशन होती कहां पे है सो so ब्लड की फॉर्मेशन होती है कई जगह पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ के कौन से स्टेज में आए सी जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे फीटल स्टेज में तो उस टाइम पे हमारा हमारी जब बोन्स नहीं बनी थी तो सबसे पहले ब्लड बनाने का जिम्मा था योक सैक के पास so, सबसे पहले ब्लड किसने बनाया था योक सैक ने इसको क्या हो रहा है ओके सो ब्लड फॉर्मेशन की थी योक सैक ने चले ठीक है उसके बाद कुछ हफ्तों के लिए योग साग ने बनाया योग के बाद ये है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये ली लिवर ने ठीक है यस yes. सो so, लिवर हमारा सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है लिवर इज अ मल्टीटास्कर तुम हैरान हो जाओगे लिवर के फंक्शन देख के सबसे बिजिएस्ट एंड सच मल्टी मल्टीटास्कर इट इज उसमें से एक काम है ब्लड बनाना भी सो so, पैदा होने से पहले लिवर ने ये काम भी किया है फिर जब हमारी बोन्स बन गई तो सारे की सारी बोन मैरोज जो है ऑल द बोन मैरोज एल टेल यू वट बोन मैरोज आर ऑल द बोन मैरोज देर प्रोड्यूसिंग ब्लड ठीक है फिर आज की स्टेज में आप में और मुझ में आज की स्टेज में जो ब्लड बना रहा है दैट इज ओनली लॉन्ग बोन मैरोज जो हमारी लंबी लंबी बोन्स है लिम्स की रिब्स की सिर्फ इनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन हो रही है सो लॉन्ग बोन मैरोज सिर्फ इनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन हो रही है लॉन्ग बोन मैरोज इजा क्लियर चले सो so ये सारे टिश्यूज हैं ये सारे साइड्स हैं जहां ब्लड की फॉर्मोशन फॉर्मेशन हो रही थी तो इसको हम क्या बोल देते हैं हीमापोएटिक और हीमापोटिक टिश्यू जहां ब्लड की फॉर्मेशन हो दैट विल बी नोन एज हीमापोटिक टिश्यू आज बोर्ड लगता है अपनी ही मर्जी में सो so, चले हम भी अपनी मर्जी करके ही रहेंगे ये टॉपिक तो हमने करके ही रहना है हीमापोएटिक टिश्यू इज दट क्लियर आर टिश्यूज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ लाइफ ऑल राइट योग लिवर एंड देन लॉन्ग बोन्स ओनली ब्लड के बारे में जरा और मजेदार बातें देखते हैं सो हमारे अंदर टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है अब ये लाइन कहां पे गई देखो मैं यहां लिख रही हूँ यहां पहुंच गई है सो टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है पांच से छ लीटर लेकिन ये पांच से छ लीटर जो है ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्रॉम बच्चा से बूढ़ा ठीक है ये वॉल्यूम वेरी करता है दिस इज द एवरेज वॉल्यूम अब इसका पीएच कितना होता है हम कल ही पढ़ के हटें जो नॉर्मल पीएच है ब्लड का दैट नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 7.4 यानी कि इट इज स्लाइटली अल्कलाइन ठीक है और ब्लड का कलर क्या होता है अब सोचोगे मैम आप तो बहुत ही हमें पता नहीं क्या समझो हमें ब्लड का कलर पता है बिल्कुल पता है आपको ब्लड का कलर लेकिन ये जानना जरूरी है कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है ठीक है देखो आर्टरीज रेड तो सबने सुना है ठीक है लेकिन आज के बाद तुम पूछोगे दूसरे को कि आर्टरीज के अंदर कि वेन्स के अंदर आर्टरीज के अंदर होगा ब्राइट रेड कलर ये ब्राइट रेड कलर डिपेंड ब्राइट रेड कलर होगा बिकॉज ऑफ रिच ऑक्सीजन और वेन्स के अंदर होता है डार्क रेड कलर बिकॉज उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है सो वेन्स हैव डार्क रेड कलर वाइल आर्टरीज हैव ब्राइट रेड कलर इज दैट क्लियर चले सो so ये है हमारा ब्लड अब ब्लड के कॉम्पोनेंट्स ब्लड के कॉम्पोनेंट्स को पढ़ने के लिए हमें ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना होगा ठीक है हमने टेस्ट ट्यूब ली उसके अंदर एंटीकोगन डाला ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और फिर उस ब्लड को हमने किया सेंट्रीफ्यूज हाई स्पीड पे रोटेट तो सेंट्रीफ्यूज करने के करने पे ब्लड के जो कॉम्पोनेट्स हैं गाइस वो अपनी डेंसिटी के डिफरेंस पे सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग डेंसिटी अलग अलग लेयर्स बना लेगी कुछ इस तरह से क्लियर सो so, ये पिक्चर मुझे मजेदार लग रही थी लेकिन एक्चुअली यहां पे एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब ठीक है चलो टेस्ट ट्यूब बना देते हैं अब यहां सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करने पे ब्लड तीन लेयर्स शो करेगा ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन तीन लेयर्स आपको नजर आएंगी ठीक है डेंसिटी के बेस पे चीजें सेपरेट हो गई हैं सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है दिस ऊपर वाली लेयर इज नोन एज सुपरनेटेंट इसको क्या कहेंगे जो सबसे ऊपर है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है तो सबसे ऊपर आता है गायस आपका प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड ठीक है सो so, प्लाज्मा के बारे कुछ चीजें सो प्लाज्मा प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड राइट ये स्लाइट येलोइश होता है पेल येलोइश लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हु नोज कि ये येल्लो कलर का क्यों है ब्लड तो हमारा रेड है प्लाज्मा येलो कलर का क्यों तो होता है कौन सा कॉम्पोनेंट है प्रिसाइजली अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना आई विल टेल यू इन द क्लास सो इट इज टमोरोलोइ इन कलर ठीक है और जो आपका प्लाज्मा है टोटल ब्लड का देखो कितना कॉम्पोनेंट बना रहा है फिफ्टी फाइव से सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल ब्लड इज योर प्लाज्मा अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है सो इट कंटेन्स इट कंटेन्स वॉट

ठीक है गैसेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिजॉल्व स्टेट में ट्रेवल करती हैं वो गैसेस यहां पे हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट यहां पे है सोल्ट यहां पे प्रेजेंट हैं हॉर्मोन्स ब्लड के प्लाज्मा में ठीक है इसके अलावा ब्लड अंदर ही अंदर क्लॉट ना हो तो उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसके पास एक एंटीकोगुलेंट भी होता है नोन एज हेपरिन ये अंदर ही ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा अगर अंदर ब्लड क्लॉट कर गया कर गया तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक एंड सो मच मोर सो हेपरिन उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है इट इज नेचुरल हर एक एनिमल के के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं ठीक है देन हेपरिन एंड जब चोट लगती है तो वो एक्सेसिव ब्लड फ्लो भी नहीं करना चाहिए एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे हेपरिन को बंद हो जाना चाहिए ठीक है रहता है लेकिन इनएक्टिव हो जाता है लेकिन आपके ब्लड के अंदर एंटीकोगलेंट जो है एंटी क्वागुलेंट इनएक्टिव हो जाएगा ठीक है और क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना काम शुरू करेंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यहां पे प्रेजेंट रहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यहां पे प्रेजेंट रहेंगे लेकिन ये आमतौर पे काम नहीं करते क्योंकि ये स्टेज में रहते हैं ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट होंगे टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल की ब्लड की क्वागुलेशन कैसे होती है क्लियर चलिए सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा क्लियर इसके बाद इसके नीचे दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी सबसे नीचे की तरफ लेयर प्रेजेंट होती है आरबीसी की सो आरबीसी आपका 44 परसेंट ब्लड बनाता है और इन दोनों के बीच में एक ये जो हल्की सी आ, क्रीमिश कलर की लेयर है दिस लेयर कंटेन्स डब्ल्यू एंड प्लेटलेट्स अब ये तो हो गया लिक्विड पार्ट डब्ल्यू प्लेटलेट्स एंड आरबीसी टुगेदर दे विल फॉम फोर्टी फाइव परसेंट एंड दे आर द सेल्स ऑफ द ब्लड तो इन सेल्स ऑफ द ब्लड को इस सेलुलर पार्ट को हम बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स सो फॉर्मड एलिमेंट्स इज दट क्लियर सो दीज आर द फॉर्मड एलिमेंट्स तो ये चार कॉम्पोनेट्स हैं ब्लड के प्लाज्मा आरबीसीज डब्ल्यू बीसीड प्लेटलेट्स क्लियर इसमें से जो सेल्स हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है फॉर्मड एलिमेंट्स चलो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं तो गैस जो प्लाज्मा है प्लाज्मा के अंदर सिक्स से नाइन परसेंट क्या प्रेजेंट है प्रोटीन दीज प्रोटीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स टॉक देम इन मोर डिटेल सो थ्री टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स राइट सो so, right? so, तीन तरह के जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं लेट्स सी वो कौन से नंबर वन वी हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम ही क्या होगा क्लॉटिंग करना क्लॉटिंग फैक्टर्स दे प्रिवेंट एक्सेसिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। दूसरे होते हैं ग्लोब्यूल नाम से याद रखना ग्लोब्यूलिन ग्लोबुलर होंगे स्फेरिकल शेप के होंगे ग्लोब्यूल आर ग्लोबुलर फाइन एंड थर्ड एलब्यूमिन सबसे छोटे होते हैं लेकिन काम बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका ज क्लियर सो क्लॉटिंग फैक्टर्स का फंक्शन हमें पता ही है ब्लीडिंग ठीक है जो ग्लोबिल्स है यह कई तरह के होते हैं बट हमें जो मेन टाइप का ग्लोबिल यहां पर बात करनी है दैट इज गाग्लोबुलट इज गामा ग्लोबुल क्लियर अच्छा क्लॉटिंग फैक्टर्स में अब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर है गाइस दैट इज योर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रनोजन है so, हो सकता है कुछ बुक्स में आपको फिब्रनोजन डायरेक्टली लिखा मिला मिले ठीक है लेकिन अदरवाइज बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं इज ए क्लियर सो फिब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर एंड इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग कमिंग बैक टू ग्लोबुलेंस अल्फा सॉरी गामा ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन जो है ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो इसलिए इसको हम इम्यूनोग्लोबिलिन भी बोल सकते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक्सर जिसको हम फेमसली जानते हैं इन द नेम ऑफ एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जो है ये हमारे ड्रैगन्स हैं जो हमारे लिए हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं खलीसी के पास कितने थे तीन हमारे पास कितने हैं पांच वी आर रिचर देन चैप्टर क्लियर चले सो यहां पर इतना ही छोड़ते हैं तो इनका काम क्या है डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस प्रोवाइड करना बीमारियों से बचाना सो so ब्लड बहुत सारे काम कर रहा है खुद की ब्लीडिंग से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा बीमारियों से बचा रहा है अब वो एल्ब्यूमेंट्स जो है ये क्या कर रहे हैं एल्ब्यूमेंट जो है ये ब्लड के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं कि ब्लड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो काम किसने संभाला है एल्ब्यूमेंट्स ने सो दे मेंटेन ऑस्मोटिक दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक वर्ड कभी भी आए तो इट्स रिलेटेड टू ब्लड ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड इज इट क्लियर सो ब्लड के अंदर कितना पानी का अमाउंट रहेगा वो काम कौन डिटर्मिन करेगा एलब्यूमेंट इज दैट क्लियर सो दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पोनेट्स ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा नेक्स्ट अब हम आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स पे फॉर्म एलिमेंट्स आर द सेलुलर पार्ट्स ऑफ द ब्लड ठीक है तो देखो सेलुलर पार्ट कौन से सेलुलर पार्ट सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आर ब्लड ट्स एंड डब्ल्यूबीसी आरबीसीट्स सो प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका मेन काम ट्रांसपोर्ट रहेगा आरबीसी के बारे में हम खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछला पूरा चैप्टर एक तरह से आरबीसी पर डेडिकेटेड था कि इसका मेन काम ही क्या होता है गैशियस ट्रांसपोर्ट करना क्योंकि आरबीसी के पास कुछ और है ही नहीं हिमोग्लोबिन के अलावा और वो हीमोग्लोबिन एक नहीं दो काम कर रहा है वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एफर तो वी है सोल्जर्स ऑफ यर बॉडी तो कहीं पे भी अगर कोई दुश्मन का अटैक हुआ तो डब्ल्यू बी सी वहां पर पहुंचेंगे दीज आर दोल्जर्स ठीक है और प्लेटलेट्स का काम होता है टू फॉर्म क्लॉट क्लॉटिंग करना ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो प्लेटलेट्स के और बहुत मजेदार भी एप्लीकेशन है ब्यूटी इंडस्ट्री में प्लेटलेट्स का कितना

अब इसकी फॉर्मेशन को क्या कहेंगे फॉर्मेशन के लिए क्या टर्म थी पोएस एरिथ्रो पोएस क्लियर अब ये एरिथ्रो पोएस कहाँ पे होती है ये होती है रेड बोन मैरो में इट अकर्स इन रेड बोन मैरो हमने बोन मैरो तो देख लिया लेकिन ये रेड बोन मैरो क्या है लेट्स अंडरस्टैंड सो लेट्स ड्रॉ हड्डी सो दिस इज अ बोन हमने देखा कि हमारी बोन जो है वो अंदर से खाली नहीं होती ठीक है ये तो इसकी वॉल हो गई ठीक है दिस इज द वॉल ऑफ द बोन ये भी स्ट्रक्चर हमने करना है ये बीच वाला जो पार्ट है नाउ इट कंटेन्स सेल्स इन साइड देर आर स्पेशल सेल्स जो कि ब्लड सेल्स बना सकते हैं दीज आर नोन एज सेल्स अब बोन के अलग अलग हिस्से होते हैं अब जो ये वाला एंड है दिस पार्ट इज नोन एज रेड बोन मैरो

जो रेड बोन रेड ब्लड सेल्स हैं ग इनकी फॉर्मेशन होती कैसे सॉरी सो फॉर्मेशन के दौरान यानी रेड बोन मैरो के अंदर हो क्या रहा है चल क्या रहा है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है सो so, इनका एक प्रिकर्सर सेल होता है दिस इज नोन एज एरे किसी भी सेल के पीछे अगर टर्म ब्लास्ट पढ़ो तो ये हमेशा प्रिकर्सर सेल होता है प्रिकर्सर यानी जहां से शुरुआत होनी है मदर सेल दिस इज अ प्रिकर्सर सेल एक्टिवली डिवाइड करता है ठीक है नंबर मल्टीप्लाई करेगा इसके पास न्यूक्लियस है फाइन ऑफ कोर्स अब इसने धीरे धीरे मल्ट uh, डिवाइड करने के बाद स्पेशलाइज करना शुरू किया मेच्योर होना शुरू हुआ तो बीच में एक स्टेज आई इस स्टेज को हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइड इसके पास न्यूक्लियस भी है इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोल्जी बॉडीज है माइटोकॉन्ड्रिया भी है लाइजोजोम भी है और थोड़ा थोड़ा इसके पास हीमोग्लोबिन uh, भी बनना शुरू हो गया है बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है नाउ दिस सेल इज नोन एज रेटिक्यूलोसाइट दिस इज कॉल्ड रेटिक्यूलोसाइट ठीक है दिस रेटिक्यूलोसाइट इज इमेच्योर आरबीसी अब अगर हम अपनी डाइट में अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर वाइटमिन्स लेंगे तभी ये जो रेटिकुलोसाइट है वेल डेवलप प्रॉपरली मेच्योर हो पाएगा इनटू एन आरबीसी इनटू एन आरबीसी ठीक है तो देखो आरबीसी कैसा होता है आरबीसी जब बनता है तो आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है जितनी छोटी बॉडी लेकिन ज्यादा नंबर उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा तो हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि गैशेस ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा हो सके ठीक है तो इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा शेप देखो चेंज हो जाएगी ठीक है डिस्कॉइडल हो जाती है बीच में गैप है क्योंकि बीच में न्यूक्लियस गायब हो गया ठीक है थीके? तो डिप आ जाता है डिस्कॉइडल बोल सकते हो डिस्क जैसा या बाय कनकेव ठीक है सो दिस इज योर आरबीसी दिस इज योर मेच्योर आरबीसी बी सी मेच्योर आर इज नोन एज एरिथरोसाइड दिस इज मेच्योर आरबीसी एंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेच्योर आरबीसी के पास कुछ है ही नहीं सिवाय हीमोग्लोबिन के सो इट इज़ अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन लॉट्स ऑफ हीमोग्लोबिन नो न्यूक्लियस नो ई आर नो जीबी नो माइटोकॉन्ड्रिया नो लाइजोजोम कोई ऑर्गेनलीज है ही नहीं तो ये जो आर मिच्योर आरबीसी है इसके फीचर्स क्या है देखो शेप कैसी है डिस्क्वाइडल ठीक है शेप कैसी है डिस्कवाइडल उसके बाद ई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है नहीं ऑर्गेनलीज का लॉस हो चुका है लेकिन ये सारी चीजें करवाने के लिए हमें क्या खाने पड़ेंगे हमें खाने पड़ेंगे कुछ वाइटमिन और कुछ मिनरल्स जैसे कि जैसे कि हमें खाना होगा विटामिन बी ट्वेल्व हमें खाना होगा फॉलिक एसिड दिस इज ऑल्सो वाइटमिन ठीक है एंड हमें ढेर सारा आयरन खाना होगा सो so, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेचोरेशन ऑफ आर बी सी टू अको क्लियर सो ये आरबीसी पे बन रहे हैं रेड बोन मैरो में इस तरह से बनते जा रहे हैं Clear? अब ये जो RBC, mature RBC होता है बनने के बाद फॉर्मेशन आफ्टर मेचोरेशन इसकी होती है 120 डेज 120 डेज 120 डेज के बाद क्या होगा ये चला जाता है अपने सिमेट्री में अपने ग्रेवयार्ड में तो 120 डेज के बाद इसका डिस्ट्रक्शन कहां होगा ग्रेव में ग्रेवयार्ड ऑफ आर क्या है स्प्लीन है ठीक है स्प्लीन का रोल ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है लाइक like, आमतौर पे तो ये ग्रेव की तरह एक्ट करेगा लेकिन आ, जब जरूरत होती है बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट में या चोट में तो उस सिचुएशन में ये अपना रोल चेंज कर लेगा अब ये ग्रेवयार्ड नहीं है अब ये अपना इमरजेंसी ब्लड बैंक रिलीज करता है यानी इसने अपने पास बहुत सारे आरबीसी स्टोर कर रखे हैं लेकिन वो सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए यूजअली इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्लियर सो ये आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कहां होगी वन डेज के बाद इन द स्प्लीन क्लियर और इसमें से आरबीसी में से, से हीमोग्लोबिन निकाल के भेज दिया जाता है लिवर के पास तो हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम होता है लिवर का बाकी का जो सेल का पार्ट है वो कौन तोड़ने वाला है स्प्लीन ठीक है तो लिवर क्या करेगा उस हीमोग्लोबिन का ये हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है जब बाइल पिगमेंट बनेंगे ऑल राइट सो ये क्लियर हुआ लाइफ स्पैन ग्रेवयार्ड ठीक है इसका टोटल अमाउंट कितना होता है टोटल या नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट कितना कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल नंबर या नॉर्मल काउंट ठीक है सो मेल्स और फीमेल्स में इसका अमाउंट वेरी करेगा ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्ट्रोन का इफेक्ट बोन मैरो पे भी होना है और इसका अमाउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब तो एक छोटा सा जो मिलीमीटर क्यूब है जो शायद हमें दिखता भी नहीं है ठीक है बहुत ही छोटा उसमें 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है यानी वी आर ऑल मिलियनर्स राइट सो फीमेल्स के अंदर फोर से फोर पॉइंट फाइव मिलियन आरबीसी होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब एक्सैक्ट क्लियर सो दिस इज द नॉर्मल नंबर अगर इससे नंबर फॉल करे तो एबनॉर्मल कंडीशन को क्या कहा जाता है देखो एबनॉर्मल कंडीशन क्या होंगी एबनॉर्मल कंडीशन अगर नंबर फॉल करता है नंबर फॉल्स ठीक है So, उस कंडीशन को बोलेंगे एरिथ्रोपीनिया उसको क्या बोलेंगे एरिथ्रोपीनिया का मतलब होता है कम होना एरिथ्रोपीनिया लेकिन जनरली आपकी बुक्स में टर्म होती है अनिमिया सो so, आप अनिमिया लर्न कर लेंगे पर एरिथ्रोपीनिया भी कहते हैं ठीक है देन अगर नंबर इस हायर वैल्यू से बढ़ जाता है नंबर इंक्रीज भी होता है बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन को उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली पॉली मीन ज्यादा पॉलीसाइथीमिया ये कहां पे होगा पॉलीसाइथीमिया हायर एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे अगर हम तीन महीने से ज्यादा रह लें तो हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था हायर लेवल पे हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो उसको कवर अप करने के लिए अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए ऑक्सीजन तो उतनी चाहिए ना तो वो ऑक्सीजन कहां से आएगी बॉडी अपना आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देती है चलो जितने ज्यादा होंगे कुछ कुछ तो ऑक्सीजन करके लाएंगे is that clear? So, higher altitude पे number increase कर जाता है है? तभी उनकी चीक्स जो है, वो red हो जाती ठीक तो उसके लिए हमें कम से कम तीन महीने पहाड़ों पर बिताने होंगे एनीवेज तो तीन महीने लगते हैं बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में सो लाइफ स्पैन ग्रेवयार्ड नॉर्मल अमाउंट दिस इज वॉट वी हैव डन और फंक्शन तो हम बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं इसका कि फंक्शन क्या होता है फंक्शन होगा इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प कैसे करता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देखो आरबीसी तो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पूरा का पूरा ब्लड हेल्प करेगा प्लाज्मा में भी डिजॉल्व गैसेज होती है राइट एंड नाउ नरबीसी क्या करता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वी हैव इट ऑलरेडी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जुड़ भी सकता है और ब्रेकअप भी कर सकता है देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाता था कार्ब ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट एंड कार्बन मोनोक्साइड के साथ तो बहुत ही इसकी दोस्ती है 200 से 300 टाइम्स ज्यादा और ये बनाता है कार्बोक्सीमोग्लोबिन लेकिन ये कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन कितना टॉक्सिक है कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग करता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर आई वुड हाईली रेकमेंड गाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम Uh, में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को ना कभी समझ नहीं आते लाइक like, मुझे भी पर्सनली समझने में थोड़ा टाइम लगा था बट आई थिंक कि तुम्हें समझ में समझने में टाइम नहीं लगा होगा बिकॉज आई हैव मेड लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स ताकि जो चीज कभी समझ नहीं आई है वो ईजी वे में मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊं ठीक है चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गई आरबीसी के बारे में पढ़ लिया सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू डब्ल्यू सोल्जर्स ऑफ द बॉडी ठीक है सो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्लियर तो जब भी कोई दुश्मन घुसेगा तो डब्ल्यू बीसी पहुंचेंगे हमें बचाने के लिए सो so, ये जो डब्ल्यू बीसीज है ओवरऑल फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यू आर प्रेजेंट ठीक है देखो लेकिन इन जो फाइव डिफरेंट टाइप्स है इनको हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट 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 का मतलब जिनके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे नाम को तोड़ेंगे और दूसरे होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है वी कॉल इट ए ए किसी भी वर्ड के आगे ए आ जाए तो अगली चीज एबसेंट हो जाती है राइट right? ए या एन क्लियर सो ए ग्रैन्युलट ठीक है अब इनमें से जो तीन है ये है आपके ग्रेन्युलट्स और ये दो हैं आपके ए नाउ लेट्स डिस्कस कि ये कौन कौन से हैं ग्रेन्युल so, सबसे पहले ये जो हमें सेल नजर आ रहा है सो दिस सेल जिसमें कि लोब्ड न्यूक्लिया है बहुत सारे लोब्स बने हुए हैं ये न्यूक्लियस है ठीक है दिस इज द मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस क्लियर एंड इसके अंदर जो ग्रेन्यूल हैं देखो इन तीनों का साइज ज्यादा डिफरेंट नहीं है साइज इज ऑलमोस्ट सेम तो अंडर माइक्रोस्कोप इनको हम किस तरह से करते हैं इनका होगा इनके न्यूक्लियस के बेस पे तो देखो इसके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसके पास न्यूक्लियस है राइट right? एंड इसके पास एस शेप का न्यूक्लियस है इसको हम एस शेप मानते हैं ठीक है आई नो आपको लग रहा होगा कि एस कहां से है बट ये ही एस है ठीक है सो दिस इज हाउ इट

अलग अलग तरह से काम करने हैं ठीक है ठीके? अलग अलग तरह से काम करेंगे न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से हम इसको पॉली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं देखो वर्ड बेशक कितना भी बड़ा हो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजी फॉर्म में देखो पॉली पॉली पॉलीमीन मैनी मॉर्फोमीन्स स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इज न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट इज अनादर टर्म फॉर डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी को क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स ल्यूको ल्यूकोमीन्स वाइट वाइट कलर के सेल्स हैं तो ल्यूकोसाइट्स सो ऐसा ल्यूकोसाइट है जिसमें न्यूक्लियस की पॉलीमॉर्फो बहुत सारी शेप्स हैं बिकॉज इट हैज अ मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस तो इसको हम पी एम एन एल बोलते हैं Clear? नाम बड़ा है लेकिन देखो वर्ड्स को तोड़ो वर्ड्स खुद बताते हैं कि वो है क्या क्लियर देन वी हैव इनोफिल्स या एसिडोफिल्स अब देखो इन सारे इन तीन सेल्स को हमने ग्रेन्यूलोसाइड्स बोला है इसका मतलब इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है सो so, जो न्यूट्रोफिल है न्यूट्रोफिल के अंदर एसिडिक एसिडिक ग्रेन्यूल्स भी होंगे ठीक है और बेसिक ग्रेन्यूल्स भी होंगे एसिडिक रेड कलर के नजर आते हैं और बेसिक जो है स्टेन करने पे ब्लू कलर के स्टेन लेंगे सो दिस इज बेसिक ग्रेन्यूल ठीक है और रेड कलर का होगा एसिडिक ग्रेन्यूल क्लियर इसके अंदर दोनों हैं, सो इट बिकम्स न्यूट्रल देफिल या एसिडोफिल तो नाम से पता लग रहा है ये जो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स हैं दीज आर एसिडिक ग्रेन्यूल्स

फेगोसाइट्स होते हैं यानी कोई भी अगर फॉरेन एजेंट अंदर आया जो बॉडी को लगा कि हार्मफुल हो सकता है तो सबसे पहले कौन भागता है न्यूट्रोफिल मैं जाऊंगा मैं खाता हूं उसे ठीक है तो सबसे पहले कौन जाता है न्यूट्रोफिल सो दिस इसका रोल क्या है इसका रोल होता है फेगोसाइटोसिस करना तो यहीं पे एक चीज और भी लिख लेना कि सबसे पहला सेल जो फेगोसाइटोसिस करेगा वो कौन सा है न्यूट्रोफिल इसके बस की बात नहीं निकली तो आगे हमारे पास और भी सोल्जर्स प्रेजेंट हैं लेकिन सबसे पहले फेगोसाइटोसिस के लिए कौन जाएगा न्यूट्रोफिल दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड कमिंग ऑन टू एसिडोफिल्स तो एसिडोफिल्स का रोल रहता है हमारे अंदर एलर्जीज में जब जब एलर्जी होती है ठीक है तब तब यूसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है तो जब भी लड़ाई होगी तो हमें सैनिकों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा तो ये नंबर अप... इंक्रीज हो जाता है आई टेल यू मिलीमीटर क्यूब ये एनसीआरटी कहती है लेकिन अदरवाइज फोर थाउजेंड से टेन थाउजेंड भी हम नॉर्मल मानते हैं क्लियर सो एनसीआरटी के डेटा यूज करने हमने तो ये एलर्जीज करेंगे तो नॉर्मली इतने रहते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे कोई इन्फेक्शन चल रही है तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो इसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग एलर्जीज बेजोफिल्स ना बेजोफिल्स जो है दे आर सिक्रीटरी दे आर सिक्रीटरी यानी ये कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं ये जो ग्रेन्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू बी सिक्रीटरी क्या क्या चीजें सिक्रीट करेंगे नंबर वन हेपरिन पढ़ा था अभी हमने हेपरिन एंटीकोगुलेंट है देन इट रिलीज हिस्टामिन ये हिस्टामिन बहुत खतरनाक होता है ठीक है एंड थर्ड इट रिलीजेज सिरोटोनिन इट रिलीजेज सिरोटोन क्लियर अब देखो हिस्टामिन का जो रोल है इसका नाम तो हमें पता लग गया इट इज एंटी क्लॉटिंग एजेंट एंटी कॉगलन ब्लड अंदर क्लॉट नहीं होने देगा हिस्टामिन जो है इन्फ्लामेशन कॉज करता है ये एक तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज है इन्फ्लामेशन जब भी किसी नाम के पीछे आइटिस पड़ो ना वो इन्फ्लामेशन होती है इन्फ्लामेशन का मतलब कि जब रेडनेस स्वेलिंग पेन और एक साथ हो तो हम कहते हैं वो जगह इन्फ्लेम्ड है ठीक है इससे ज्यादा हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीजेस में चलो तो हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और ये इसका उल्टा काम करता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ठीक है तो ये दोनों ही चीजें कौन से क्रिएट कर रहे हैं हमारे बेजोफिल्स एग्जैक्ट क्लियर ओके सो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ ग्रन्युलसाइट्स नाउ कमिंग ऑन टू ए ग्रैन्युलट्स चलो दूसरी जगह पे लिखते हैं सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं, यानी जो कि ग्रैन्यूल्स जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो तरह के हैं वन वी हैव मोनोसाइट्स ठीक है एंड सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स देखो इट हमारा सबसे छोटा डब्ल्यू होता है और ये हमारा सबसे बड़ा होता है दिस इज द लार्जेस्ट डब्ल्यू पांचों में से और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है दोनों ही ए ग्रेन्यूल साइट है स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बी सी क्लियर नाउसी मोनोसाइट लार्जेस्ट है तो ड्रॉ करते हैं जरा और ये ए ग्रेन्यूलोसाइट है और ए ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे और ये है इसकी किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किडनी शेप्ड न्यूक्लियस तो न्यूक्लिया की शेप सब में याद रखनी है किसमें कैसा न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस के बेस पे ही हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जनरली किडनी शेप्ड न्यूक्लियस क्लियर और लार्ज अब स्पेस प्रेजेंट है फॉर साइटोप्लाज्म। लिम्फोसाइट पे आ जाओ सबसे छोटा है सबसे छोटा है और इसमें मैक्सिमम स्पेस जो है न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई की होती है सो दिस इज द लार्ज न्यूक्लियस लार्ज हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे लार्ज मीन अपने साइज के हिसाब से इट हैज अ वेरी लार्ज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के लिए बहुत थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है इट हैज स्कैंटी स्कैंटी लेस स्कैंटी साइटोप्लाज्म अब इनका फंक्शन भी देखते हैं जो मोनोसाइट्स हैं मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स की तरह ये भी फेगोसाइटोसिस करेंगे सो so सबसे पहले कौन भागा था फेगोसाइटोसिस करने के लिए न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल के बस की बात नहीं निकली तो कौन गया मोनोसाइट अब इसके भी अगर बस की बात नहीं होगी तो स्टिल एक और पॉसिबिलिटी है ये मोनोसाइट जो हैं ये फ़्यूज़ करके बना देते हैं दे फ्यूज टू फॉर्म मैक्रोफेजेस मैक्रो मीन्स बड़ा फेज का मतलब जो फेगोसाइटोसिस करे ये सबसे बड़ा सेल है जो फेगोसाइटोसिस कर सकता है अब इससे तो कोई नहीं बचता एग्जैक्ट क्लियर सो दीज आर मैक्रोफेज टॉकिंग अबाउट लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स ये ये जो हैं दो तरह के हो सकते हैं ठीक है इन शॉर्ट ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं ये क्या बनाते हैं इम्यून सिस्टम बनाते हैं ये एंटीबॉडीज बनाएंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम करते हैं ये एंटीबॉडीज ड्रैगन्स और खलीसी राइट सो एंटीबॉडीज कौन बनाएंगे लिंफोसाइड्स दो तरह के होंगे बी लिंफोसाइड्स टी लिंफोसाइड्स तो ये किस बेस पे डिफ्रेंसिएशन होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस इट स्लोली ठीक है जी सो so, ये हो गए ए ग्रेनुलोसाइड अब इनका नंबर टोटल नंबर हमने कितना देखा है सिक्स थाउजेंड से एट थाउजेंड पर मिलीमीटर क्यूब क्लियर लेकिन अगर मैं इनका टोटल सबका बताऊं तो देखो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से प्रेजेंट होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर के स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है।, तो है जो मैंने याद रखा था नल मैब क्या है Null Mab. I know बहुत सारे हैं। तुम कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो डेफिनेटली आई एल इनकॉर्पोरेट सो मैं क्या याद रखती हूँ नल मैब तो ये समझ आ रहा है यहाँ पे न्यूट्रोफ़िल सबसे ज़्यादा हैं फिर उससे कम लिम्फोसाइट उससे कम मोनोसाइट उससे कम एसिडोफिल्स एंड देन वी हैव बेजोफिल्स क्लियर अब इनकी परसेंटेज देखते हैं तो परसेंटेज हमने याद रखनी है एन वाली 60 से 66 परसेंट देन एन टी सेज कि डब्ल्यू बी सी जो मोनोसाइट्स हैं ये होते हैं 6 से 8 परसेंट होंगे हमारे अंदर से uh, 15 परसेंट ठीक है देन एसिडोफिल्स होते हैं टू से थ्री परसेंट एंड बेजोफिल्स होते हैं पॉइंट वन परसेंट ना ऑल दीज केयरफुली इज दैट क्लियर सो ये हमें सारे याद कर रहे हैं टेन से ट्वेंटी भी जा सकते हैं देखो टेन से ट्वेंटी तक इनका अमाउंट चला जाता है सॉरी एटीन से ट्वेंटी तक सो so, ये एक जनरल परसेंटेज है आपको ऑर्डर पूछा जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर तो वर्ड देख लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नल मैप इज एग्जैक्ट क्लियर टोटल अमाउंट को हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सिक्स थाउजेंड से एट थाउजेंड अब ये जब एक एक का सेपरेटली आप मेजर करते हो ना दिस इज नोन एज डिफरेंशियल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई इंफेक्शन ठीक नहीं हो रही डॉक्टर पर्ची पे लिख देता है टीएलसी डीएलसी डब्ल्यू बीसीज टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लेके आओ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लेके आओ क्योंकि इनके नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इन्फेक्शन है अगर इन्फेक्शन है तो ओवरऑल आप डब्ल्यू का नंबर सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज होगा ठीक है और देन वी हैव डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट ये एक एक का इंक्रीज हो रहा है पता लगेगा कि कौन सी बीमारी हो रही है ठीक है कौन सी बीमारी होगी ये तुम्हें पता लगेगा एमबीबीएस में जाके फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस तक पहुंचने की चले डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट डीएलसी ठीक है डीएलसी का मतलब डिफरेंशियल एक एक का अलग अलग दूसरा क्या होता है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कि सारे मिला के कितने हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज दैट क्लियर सो दिस वाज़ द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी के बाद गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट पे दैट इज प्लेटलेट्स थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट इज प्लेटलेट्स प्लेटलेट्सो नोन एज थ्रोसाइट थ्रोम्बोसाइट देखो क्यों बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट साइट का मतलब तो हो गया सेल थ्रोम्बो वर्ड इज रिलेटेड टू थ्रोम्बस थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट बनाना थ्रोम्बस मीन क्लॉट और क्योंकि ये क्लॉट फॉर्मेशन में ही सबसे मेजर रोल प्ले करेगा इसलिए हम प्लेटलेट्स को क्या बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स ठीक है इसकी फॉर्मेशन कहा होगी इसकी फॉर्मेशन होती है आ, इसकी फॉर्मेशन को हम बोलेंगे फॉर्मेशन इज नोन एज थ्रॉम्बो साइटोज एंड आई हैव टोल्ड यू कि इसकी फॉर्मेशन होती कहां पे है इन द रेड बोन मैरो इट अकर्स इन रेड बोन मैरो डब्ल्यू की हम लिखना भूल गए तो डब्ल्यू में भी एड कर लेते हैं देखो डब्ल्यू की फॉर्मेशन होनी कहां पे सो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू इसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस क्या बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस और ये कहां होती है येलो बोन मैरो में जो मिडल पार्ट था येलो बोन क्लियर राइट ऑल राइट सो ये है इसका नंबर अब अगर ये नंबर से कम या ज्यादा हो जाता है तो एबनॉर्मल कंडीशंस भी देख लेते हैं एक बार डब्ल्यू की एबनॉर्मल कंडीशन देखो अगर नंबर 6000 से नीचे गया नंबर फॉल्स तो उसको हम बोलेंगे टोल्ड यू कम के लिए टर्म क्या यूज होनी है पीनिया एरिथ्रोपिनिया ल्यूकोपीनिया ठीक है अब अगर नंबर इंक्रीज होता है तो टर्म यूज होगी ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस ठीक है और अगर नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये खतरे की घंटी है क्योंकि इसको ब्लड कैंसर कहेंगे ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर इज दैट क्लियर सो दिस was अबाउट डब्ल्यू coming कमिंग बैक टू प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स ठीक है और कहा हो रही है रेड बोन मैरो के अंदर अब जिन सेल्स से डब्ल्यू बी सी सॉरी ये आपके प्लेटलेट्स डिराइव होते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगा केरियोसाइट उनको क्या बोलेंगे मेगा केरियोसाइट देखो मेगा केरियोसाइट मेगा मींस बड़ा कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस ठीक है नेम मेगा ये चेंज होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर अब जो प्लेटलेट्स है ना प्लेटलेट्स प्रॉपर सेल्स नहीं होते प्लेटलेट्स सेल्स के टुकड़े होते हैं ऐसे ऐसे इरेग्यूलर सी शेप होगी ठीक है इरेगुलर शेप होती है इनको सेल्स नहीं मानते इनको हम सेल फ्रेगमेंट मानते हैं ठीक है न्यूक्लियस इसके पास होता नहीं तो ई न्यूक्लिएटेड है सो इट इज ई न्यूक्लिएटेड और ये स्टिकी होते हैं चिपचिपे तो इसका क्या रोल है ये तुम्हें समझ में आएगा अभी हम जब क्लॉटिंग पढ़ेंगे देखो ई e न्यूक्टेड है स्टिकी है से सेल्स होते हैं बहुत जल्दी टूटते हैं बहुत जल्दी टूटते हैं, है? हैं रप्चर होके क्या करेंगे लेट्स सी दैट सो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट हमारे अंदर होना चाहिए दैट इज डेढ़ लाख से तीन लाख तक ठीक है सो so, 1.5 लाख टू 3 लाख इसका नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए सी से भी लिखते हैं के से भी लिखते हैं क्लियर चलिए नॉर्मल काउंट अगर नंबर फॉल करता है अबनॉर्मल कंडीशंस देखो अगर नंबर फॉल किया कहां पे फॉल किया था कौन सी डिजीज में फॉल करता है डेंगू में स्पेशली राइट अबनॉर्मल कंडीशंस सो नंबर फॉल्स तो उस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बो नंबर डिक्रीजेस के लिए टर्म क्या थी पीनिया सो द नंबर डिक्रीज़ेस दिस इज नोन एज थ्रोम्बो देखो एक वर्ड सीख के हम बीमारी का नाम याद कर सकते हैं तो पता है प्लेटलेट्स को बोलते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया इजी ठीक है एंड देन वी हैव थ्रोम्बोसाइटोसिस फॉर द इंक्रीज इन नंबर साइट क्लियर तो अब आपने तीनों का अमाउंट देख लिया आरबीसी मिलियंस में थे प्लेटलेट्स लैक्स में है और डब्ल्यू बीसी था में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा फिर प्लेटलेट्स एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ डब्ल्यू इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर चलिए आगे चलते हैं इनका जो मेन रोल है वो है क्लॉटिंग में सो लेट्स कोशन होती कैसे है? अब देखो अब सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं आपकी ब्लड वेस सो ये है ब्लड किपिलरी ठीक है सो so, हमारी ब्लड की पिलरी ये थी फाइन यहां से टूटी और ब्लड बाहर बह है ठीक है सो so, ये ब्लड इज कमिंग आउट क्लॉटिंग इज आकरिंग, सॉरी ब्लीडिंग इज आकरिंग। अब क्लॉटिंग कैसे होगी ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले जो सेल्स यहाँ पे पहुंचेंगे वो होंगे हमारे प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का साइज जो जो शेप थी वो इरेगुलर थी इरेगुलर होने का फा, फायदा क्या है इरेगुलर एक दूसरे के अंदर इंटेंगल हो सकते हैं you it? तो वो एक दूसरे के अंदर इंटेंगल हो गए स्टिकी होते हैं स्टिकी होते हैं तो चिप, चिपक जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू क्लोज दिस रास्ता ताकि और ज्यादा ब्लड बाहर फ्लो ना करे ठीक है ये है टेम्परेरी ब्लॉकेज ये है टेम्परेरी मेथड ऑफ क्लॉटिंग टेम्परेरी क्लॉटिंग ये टेम्पररी क्लॉट किसने बनाया है टेंपररी क्लॉट बना है बाय एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स यानी बायो जो आपके प्लेटलेट्स हैं उनके चिपकने से तो प्लेटलेट्स की कोएगुलेशन एग्रीगेशन से बाय एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज क्लियर एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स विल फॉर्म द टेम्पररी क्लॉट बट इससे हमारा ज्यादा देर तक के लिए आ, काम नहीं चल सकता तो जब तक ये हमारा काम चला रहा है तब तक हमारे अंदर एक परमानेंट क्लॉट बनने की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है सो लेट्स सी कि परमानेंट ब्लॉकेज कैसी होगी परमानेंट क्लॉट कैसे बनेगा क्लॉट फॉर्मेशन ओके सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप वन अब देखो सबसे पहले जब ब्लड बाहर आता है तो हेपरिन जब ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर हेपरिन है वो क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा लेकिन हवा के कंटैक्ट में आते ही वो इनएक्टिव हो जाना है वो डीएक्टिवेट हो जाना है और अब हमारे अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू होता है तो सबसे पहले हेपरिन बिकम्स इनएक्टिव ठीक है तो इसका तो अब काम खत्म हो गया ठीक है अब हमारी परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो रही है तो गए सबसे पहले जो प्लेटलेट्स हैं ये रप्चर होते हैं जस्ट टोल्ड यू बहुत ही डेलिकेट सेल्स से। हैं हल्की सी ठेस लगी तो प्लेटलेट्स रप्चर ठीक है तो प्लेटलेट्स रप्चर हो गए टिश्यू इंजरी हुई टिश्यू इंजरी होते ही प्लेटलेट्स रप्चर हो गए प्लेटलेट्स के रप्चर होने पे प्लेटलेट्स के अंदर से एक प्रोटीन निकलता है ठीक है और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन प्लेटलेट्स दे विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो थ्रोम्बो प्लास्टिन है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम आयंस के साथ मिलके ये कैल्शियम आयन्स के साथ मिलके बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज ये बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेज ये बहुत ही ये बेसिक सा स्टेप बता रही हूँ अदरवाइज क्लॉटिंग इन इज अ वेरी वेरी एलाबोरेट प्रोसेस ठीक है इसमें अराउंड ट्वेल्व से थर्टीन फैक्टर्स एम्प्लॉयड लेकिन हमने सिर्फ इतना करना है एक जनरल पाथवे हम करेंगे तो देखो प्लेटलेट्स रपच्चर हुए हैं क्या निकला है थ्रोम्बो ये प्लास्टिन किसमें कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बोकाइनेज में रोल किसका था कैल्शियम का क्वेश्चन है कि कैल्शियम का रोल कहां पे आता है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग तो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी नहीं है कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में भी यूज होगा कैल्शियम पे आपकी ब्लीडिंग को भी रोक रहा है अगर कैल्शियम की कमी हुई तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है क्लॉटिंग ढंग से नहीं होगी ठीक है सो so, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया है. अब जब एक बार थ्रोम्बोकाइनेज बन गया देखो क्लॉटिंग करने का सामान ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट आईव टोल्ड यू लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में अब उसको एक्टिवेट किया जाएगा उसको एक्टिवेट किया जाएगा देखो ये थ्रॉम्बो प्लास, थ्रॉम्बो बन गया? तो ये ये में प्रेजेंट इनएक्टिव को एक्टिवेट करने वाला है तो हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन क्या प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोथ्रोम्बिन को ये प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन हाँ जी ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा इन द फॉर्म थ्रोम्बिन सो so, प्रोथ्रोम्बिन वाज इनएक्टिव दिस वाज इनएक्टिव व्हाइल थ्रोम्बिन इज एक्टिव ठीक है अब एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट जो फिब्रिनोजेन है फिब्रिनोजेन स्टार्टिंग में किया था प्लाज्मा का सबसे बड़ा क्लॉटिंग फैक्टर ठीक है प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को ये पॉलीमराइज़ करेगा ये जाके देखो फिब्रिनोजन के थ्रेड्स जो होते हैं ऐसे मोनोमर्स होते हैं ठीक है ये इन थ्रेड्स को आपस में जोड़ के नेटवर्क सा बना देगा एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज फिब्रिन ये क्या है पॉलीमर है एक नेटवर्क है सो so, इस तरह से एक मैश बन जाती है इज क्लियर सो ये है फाइब्रिन का नेटवर्क अब जब वहां पे चोट लगी है वहां पे बहुत सारे सेल्स टूटे होंगे डब्ल्यू भी पहुंचे होंगे लड़ाई करने के लिए तो हमारे डब्ल्यू मरे पैथोजेंस मरे यानी बहुत सारे डेड सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे सो so, जो डेड सेल्स प्रेजेंट है वो डेड सेल्स यहाँ पे इंटेंगल हो जाएंगे सो दीज ब्लू आर द सेल्स डेड सेल्स सो डेड सेल्स और फाइब्रिन नेटवर्क ये मिलके बना देता है हमारा क्लॉट फाइब्रिन एंड डेड सेल्स विल बी टुगेदर नोन एज क्लॉट और थ्रोम्बस और थ्रोम्बस इज इट क्लियर अब ये जो फाइब्रिन नेटवर्क है ये जाके ये जाके यहां पे जुड़ जाएगा ठीक है तो ये जाके जब यहां पे जुड़ेगा देखो इस तरह से नेटवर्क ने जुड़ जाना है फाइन एंड इट विल क्लोज इट विल क्लोज दिस ओपनिंग परमानेंटली और हमारी ब्लीडिंग अब परमानेंटली क्लोज बंद हो जाएगी समझ में आया हेपरिन इनएक्टिव हुआ टिश्यू तो इंजरी हुई थी चोट लगी है तुम्हें तो टिश्यू में से क्या निकला प्लेटलेट्स, रप्चर हो गए हैं। प्लेटलेट्स में से क्या निकला थ्रोम्बो क्या निकला है थ्रोम्बो प्लास्टिन थ्रोम्बो प्लास्टिन ठीक है थ्रोम्बो प्लास्टिन कैल्शियम आयन्स के साथ जुड़ के क्या बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज ये थ्रोम्बोकाइनेज जब बना ये थ्रोम्बोकाइनेस स्पेलिंग्स देखो थ्रोम्बोकाइनेज तो थ्रोम्बोकाइनेज ने हमारे ब्लड में ऑलरेडी जो प्रेजेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स थे इन एक्टिव फॉर्म में उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया तो थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया फिब्रिनोजे से फिब्रिन बनाया और ये फिब्रिन सेल्स के साथ चिपक के बना देता है क्लॉट और ये क्लॉट जाके वहां पे बाइंड हो जाना है और हमारी ब्लीडिंग परमानेंटली रुक जाएगी इज दैट क्लियर अब इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं दिस इज वेरी वेरी सिंपल वे

प्रोथ्रोम्बिन बनाया था और यह प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है वाइटमिन के की वाइटमिन के रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस इसका मतलब अगर तुमने वाइटमिन के भी नहीं खाया तो तुम्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है तुम्हारी ब्लीडिंग डिले हो सकती ब्लीडिंग इलांगेट हो सकती है प्रोलॉन्ग हो सकती है क्लॉटिंग डिले हो सकती है विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस और ये कहां पे बन रहा है लिवर के अंदर तो ये सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर हैं। इज है क्लियर एनसीआर में सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन स्कैटर्ड हैं अलग अलग चैप्टर्स में हम उसको एक साथ पढ़ेंगे इज क्लियर। सो दिस वॉज गाइज हाउ क्लॉटिंग अकर्स ऑल राइट ट वॉज ऑल एंड बिफोर वी को लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है से डिस्कस करेंगे अब मैं क्वेश्चन तुम्हें बताती हूं तुम पॉज करके आंसर पहले खुद देखा करो और फिर देखा करो कि तुम्हें आंसर आता था वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर्ड वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए हमने पढ़ा हमें विटामिन के सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व खाना होगा फॉलिक एसिड खाना होगा और आयरन खाना होगा तो इनमें से देख लो ऑप्शन कौन सी दे रखी है बी ट्वेल्व क्लियर अगर विटामिन बी ट्वेल्व नहीं खाओगे आरबीसी मेच्योरेशन नहीं होगी एंड लिख लीजिए इट लीड्स टू का मतलब होता है इमेच्योर पर आरबीसी इमेच्योर रह जाएंगे इमेच्योर रह जाएंगे क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ब्लड सेल्स हुए इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ये तो सबको समझ में आ गया है कि कौन सेल्स हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं एरिथ्रोसाइड्स न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइड या थ्रोम्बोसाइड वेरी इजी नेक्स्ट सो दीज आर ऑल प्रीवियस इक्वेश स्टार्ट इन तो शुरुआत कहां पर हुई थी अब देखो यहां पर रेड बोन मैरो रखा है तो एरेथ्रोपोइ सोचते ही रेड बोन मैरो याद आएगा लेकिन उसने स्टार्ट बोला है तो इट स्टार्ट इन लिवर इज वेल एज स्प्लीन में भी होती है लेकिन कम होती है ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर करेगा तो मेन आंसर इज लिवर इज एग्जैक्ट क्लियर अगर यहां पर होता है मेजर एरिथ्रोपोस अकर्स इन अगर मेजर वर्ड लगा देते फिर आंसर होना था रेड बोन मैरो ठीक है सो दैट इज ऑल गाइज आई एल सी यू टूमोरो एंड टूम वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ठीक है देखेंगे कि जो वेलेंटाइन पे हार्ट दिया जाता है क्या हमारा हार्ट एक्चुअली ऐसा देखता है फील स्टडी इट ऑल टुगेदर इन टुमोरोज लेक्चर टिल देन स्टेपी पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट